ओके, इलाइट अल्वारो आने के बाद जो बंदे नेड के सामने देखते तक नहीं थे वो भी साले मुंह पे नेड फेंक के जा रहे, क्योंकि इलाइट अल्वारो का एबिलिटी ही इतना खतरनाक है। क्या आपको नहीं पता? अरे टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। इस वीडियो में मैं आपको इलाइट अल्वारो का एबिलिटी फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, साथ ही में अल्वारो का भी बताऊंगा, एंड इलाइट अल्वारो आपको मिलेगा कैसे वो भी बताऊंगा। देन वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको इलाइट अल्वारो मिलेगा कैसे। तो आपको इलाइट अल्वारो बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे मिशन कंप्लीट करने पड़ेगी। देखो यहाँ पे आप मिशन कंप्लीट कर दोगे ना तो आपको यहाँ पे इलाइट अल्वारो बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। लाइक स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया ना, तो देखो यहाँ पे मैंने अल्वारो को बिल्कुल ही फ्री में क्लेम कर लिया। इस तरीके से आपको अल्वारो यहाँ से बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। ओके, अब मैं आपको दोनों अल्वारो का एबिलिटी प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि कौन से अल्वारो का एबिलिटी किस तरीके से काम करेगा। वैसे नॉर्मल अल्वारो का एबिलिटी हर किसी को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल अल्वारो के अंदर दो एबिलिटी है। पहला, ग्रेनेड के डैमेज को 20% इंक्रीज कर देगा, यानी कि नॉर्मली से 20% ज्यादा डैमेज पड़ेगा अगर आप अल्वारो का यूज करोगे तो। लाइक स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे अल्वारो को ज्यादा डैमेज पड़ा ना, इस तरीके से अल्वारो नेड के डैमेज को इंक्रीज कर देगा, जिससे एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ता है नॉर्मली से 20%। एंड अल्वारो का दूसरा एबिलिटी क्या है कि अल्वारो डैमेज रेंज को 10 मीटर इंक्रीज कर देगा, यानी कि 10 मीटर बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा कि एनिमी से दूर नेड पड़ा होगा ना, फिर भी एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ेगा। तो ये था नॉर्मल अल्वारो का एबिलिटी। अब मैं आपको इलाइट अल्वारो का एबिलिटी बताता हूँ। इलाइट अल्वारो का एबिलिटी क्या है कि आप नेड फेंकोगे ना, वो नेड को 4 नेड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि आपका मेन नेड होगा ना वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ ही 3 नेड अलग से आ जाएगी। लाइक स्क्रीन पे देखो इस तरीके से, 1 नेड से भी एनिमी नहीं बच पाता था, तो अब तो 4 नेड होगा, एनिमी बच पाएगा क्या? नहीं यार, एनिमी कहेगा साले ने ये क्या मारा, एक ही साथ 4 नेड। लेकिन हाँ, ये दिखावे के 4 नेड हो गए, लेकिन डैमेज ना के बराबर होगा, यानी कि आपका जो मेन नेड होगा ना वो तो जितना डैमेज देता है ना उतना ही डैमेज देगा, लेकिन जो 3 एक्स्ट्रा नेड आ जाएगी ना इलाइट अल्वारो की, वो ओनली फॉर 30% ही डैमेज देगी। यानी कि मान लो कि आपका ये मेन नेड है ना, उससे 90 का डैमेज लगा, तो ये तीनों मिलके 30 का डैमेज देगी, ओनली फॉर 30 का। इस तरीके से डैमेज देगी ये तीनों नेड। आपका जो मेन नेड होगा ना उससे जितना डैमेज पड़ेगा ना उसका 30% डैमेज ये तीनों ग्रेनेड मिलके देंगे। इस तरीके से काम करेगा इलाइट अल्वारो का एबिलिटी। और हाँ, मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि फ्री फायर में जितने भी इलाइट कैरेक्टर है ना, वो दोनों कैरेक्टर में से आप एक कैरेक्टर यूज करोगे ना तो उस कैरेक्टर में दोनों एबिलिटी काम करेगा। यहाँ से आप चाहे इलाइट यूज करो या फिर नॉर्मल यूज करो, लेकिन उसमें दोनों एबिलिटी काम करेगा। चलो मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से मैंने नॉर्मल अल्वारो लिया, देखो, एंड बाद में मैं गया ट्रेनिंग में, देखो, तो यहाँ पे देखो मैंने नेड का यूज किया ना, तो देखो वो 4 नेड बन गए। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल अल्वारो का यूज किया था तो इलाइट अल्वारो का एबिलिटी काम किया ना। तो इस तरीके से जितने भी इलाइट कैरेक्टर है ना, दोनों में से एक आध कैरेक्टर आप यूज करोगे ना तो दोनों एबिलिटी काम करेगा। एंड ऐसा नहीं है कि एक्टिव में आप इलाइट कैरेक्टर को लेके खेलोगे ना तो दोनों का एबिलिटी काम करेगा। आप यहाँ पे स्लोट में सिलेक्ट करोगे ना, फिर भी दोनों का एबिलिटी काम करेगा। ओके, लास्ट में एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। बाकी यूट्यूबर आपको पहले बोलेंगे, लेकिन मैंने लास्ट में बोला ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो यार जल्दी से कर दो सब्सक्राइब। सो चलो गाइज, बाय बाय।